Si chiama? दोस्तों, हम सब बचपन से ही अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते आ रहे हैं जो हमसे पैसे मांगा करते हैं, और इन लोगों को हमारा समाज भिखारी कहता है। मतलब वो गरीब लोग जिनके पास अपने खाने पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है, और इसलिए ये भिखारी राह चलते लोगों से या घर घर जाकर अपने लिए पैसा मांगते हैं जिससे उनका गुजारा हो सके, और हम लोग भी दयावश आकर उन्हें कुछ पैसा दे ही देते हैं। हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को देखकर इसी तरह भिखारियों को पैसा देना सीख जाते हैं, और आगे चलकर वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि आज ऐसे भिखारियों से मिलेंगे जिनके पास अपने खुद के फ्लैट से लग्जरी गाड़ियां और भी बहुत कुछ है। तो आइए मिलवाते हैं आपको भारत के करोड़पति भिखारियों से। दोस्तों, भीख मांगना आजकल एक व्यवसाय बन चुका है। आज के समय में भिखारियों के ऐसे बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं जिनके अंडर में सैकड़ों भिखारी काम करते हैं, और शाम को उन सबका पूरा हिसाब भी होता है, और इस काम में हर उम्र के लोग शामिल होते हैं। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको शुरू करने के लिए ना ही किसी तरह की धनराशि चाहिए होती है, ना ही इसमें किसी भी तरह का नुकसान होता है, और ना ही इस बिजनेस में आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना होता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बस फायदा फायदा है, और भीख मांगने वाले हमेशा गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं। आपको ये भी याद दिला दे कि भारत के संविधान के अनुसार भीख मांगना पूरी तरह से गैर कानूनी है, और एक तरह से देखा जाए तो जो लोग भीख मंगवाते हैं वो गैर कानूनी काम करवा रहे हैं, और अगर कानून चाहे तो इस ग्रुप के मुखिया को सजा भी दी जा सकती है। उसके बावजूद भी भारत के हर शहर में लाखों की संख्या में भिखारी मौजूद है, जो हर मंदिर मस्जिद के बाहर गलियों में सिग्नल पर बाजारों में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% से भी ज्यादा की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे मानी जाती है, और इनमें से अधिकतर जनसंख्या हर शहर की झुग्गी झोपड़ियों या सकरी गलियों में रहते हुए मिल जाती है, और इन्हीं में से कुछ लोग हर सिग्नल पर गाड़ियों के आगे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं, जिनमें से कुछ बच्चे तो बहुत ही छोटी उम्र के भी होते हैं। इन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि कैसे बेचारे एक दो रुपए के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि पूरे दिन में अगर सिग्नल 1000 बार भी बंद होता है और किसी भिखारी को हर बार सिर्फ 1 रुपए भी मिल जाता है, तो उसकी कमाई एक दिन की 1000 रुपए हो जाती है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग भीख में कुछ सिक्के दे देते हैं उनमें से अधिकतर लोग तो खुद भी किराए में रहते हैं, और सुबह से रात तक मेहनत करके महीने भर में जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाई इन भिखारियों की हो जाती है, और वो भी बिना किसी तरह की लागत लगाए। और अपनी इसी शानदार कमाई से भिखारी दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में अपने लिए महंगे महंगे फ्लैट्स खरीद लेते हैं, और आम आदमी भले ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई या किसी भी तरह से कर्ज लेकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाए, लेकिन भिखारियों के बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हुए मिल जाएंगे, और उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इनके माता पिता लोगों से 1-1 रुपए मांगने के लिए उनके आगे ऐसे हाथ फैलाते हैं जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। और इन्हें देखकर लोगों को इतनी दया आ जाती है कि लोग परोपकार की भावना से इन्हें एक सिक्का दे देते हैं, और इन्हीं सिक्कों से इन भिखारियों का बैंक बैलेंस धीरे धीरे लाखों करोड़ों तक पहुंच जाता है। दिन में जो भिखारी फटे कपड़ों में गंदे चेहरे और गंदे बालों के साथ नंगे पैर दौड़ते हुए नजर आते हैं, वही भिखारी शाम होते ही अपने अपने घर में जाकर गंदे कपड़ों को उतार कर साफ सुथरे बनकर नए कपड़े पहनकर अपनी गाड़ी से जब बाहर निकलते हैं तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता है। इन भिखारियों के पास अपनी मोटरसाइकिल और कार भी होती है जिससे वो और उनका पूरा परिवार घूमता फिरता है। वहीं वो इंसान जिसने दिन में इन्हें भीख में पैसे दिए होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खाते हुए अपने घर जाता है। बात करें अगर मुंबई जैसे महानगरों की, तो यहाँ पर भिखारियों के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हर साल 180 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। अब ये बातें सुनने में शायद आपको झूठी लग रही होंगी, इसलिए आपको यकीन दिलाने के लिए हम आपके सामने उन भिखारियों के नाम और फोटो भी दिखाने वाले हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पर हम जिस भिखारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है भरत जैन। आपको बता दें कि मुंबई में रहने वाला ये भिखारी इतना कमा चुका है कि आज के समय में ये 1 करोड़पति इंसान है। ये किराए के कमरे में रहता है और अधिकांश समय वहीं पर गुजारता है। इसके अलावा मुंबई में 80 लाख की कीमत के 2 फ्लैट्स भी इसने खरीद रखे हैं जिसमें उसका परिवार रहता है। दूसरे नंबर पर मुंबई का ही रहने वाला असलम हर दिन कम से कम 1500 रुपए की कमाई कर लेता है, और ये सब हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, बाकायदा इनसे पूछताछ करने के बाद ही ये सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। असलम नाम के इस भिखारी के पास खुद के 4 मकान हैं और कई बैंकों में इसके अकाउंट भी खुले हुए हैं जिसमें अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। मुंबई का तीसरा अमीर भिखारी जिसका नाम हाजी है, ये तो दिन भर में 2000 की कमाई कर लेता है, और इसके पास अपना मकान कई फ्लैट्स के अलावा एक कारखाना भी है। तो अगर देखा जाए तो सही मायनों में ये है एक सच्चा एंटरप्रेन्योर। मुंबई के ही चरनी रोड में रहने वाला कृष्ण कुमार गैथी बहुमंजिला मकान का मालिक है, और उसके मकान में कई किराएदार भी रहते हैं। इस हिसाब से रोजाना भीख मांगने के अलावा हर महीने उसे अपने मकान के किराए के रूप में भी एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मुंबई के ठाणे इलाके में एक भिखारी के घर से नोटों से भरी हुई बोरियां मिली, और ये बात तब सामने आई जब उस भिखारी के घर में आग लग गई और आसपास के लोगों ने आनन फानन में उसके घर का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, और उसी सामान में नोटों से भरी हुई बोरियां देखकर लोग दंग रह गए। मुंबई की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है, जहां पर हर सिग्नल पर चींटियों की तरह भिखारी न जाने कहां से आ जाते हैं, जबकि सरकार ने इनके लिए शेल्टर होम भी बनवा रखे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग वहां पर ना रहकर दिन भर भीख मांगते हैं क्योंकि पूरे दिन में इनकी 1000 रुपए की कमाई हो जाती है। वहीं
वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की बात की जाए तो वहां के 7,500 भिखारियों का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। मेरठ में भिखारियों का एक गिरोह है और इस गिरोह के 300 भिखारी अलग अलग जगह जाकर भीख मांगते हैं और उनका सालाना टर्नओवर 36 करोड़ के आसपास का होता है। आगरा में तो आबू उल्लाह दरगाह के पास एक महिला बाकायदा दुदुमुहे बच्चों के साथ भिखारियों की सप्लाई करती है, यानी ऐसी लड़की या औरत की सप्लाई जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि भले उस औरत को देखकर कोई कुछ ना दे लेकिन उस बच्चे पर रहम खाकर तो हर व्यक्ति 1 या 2 रुपए दे ही देगा। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास बनी मजार के पास भीख मांगने के लिए किराए पर बच्चे दिए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोरखपुर के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज 165 भिखारियों की रकम से रेलवे जंक्शन की पुलिस को भी हिस्सा मिलता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में तो भिखारियों का कॉरपोरेट घराना है, जिसे पंडिताइन चाची के नाम से मशहूर एक विधवा बूढ़ी औरत चलाती है और फिर यही भिखारी इन्हीं कमाए गए पैसों को अच्छे खासे ब्याज पर लोगों को पैसे उधार देते हैं, जिससे उनकी आमदनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी भिखारियों का एक व्यवस्थित गैंग चलता है, जिसमें भिखारियों का टारगेट ट्रेन के पैसेंजर से पैसे मांगना होता है। बात की जाए धार्मिक नगरी वाराणसी की तो यहाँ पर तो हमेशा बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते रहते हैं और यहाँ के घाटों में तो भिखारियों की बोली लगाई जाती है। अलग अलग घाटों पर अलग अलग ग्रुप के भिखारी भीख मांगते हैं और अगर कोई भिखारी कहीं दूसरे शहर से आया होता है तो पहले उसे किसी ग्रुप का सदस्य बनना होता है और अपने दिन भर के भीख में मिले हुए पैसों से अपने ग्रुप के हेड को हर दिन कमीशन भी देना पड़ता है और बाकी इनका हेड हमेशा अंडरग्राउंड रहता है। उत्तर प्रदेश के जैसे ही हमारे बिहार और झारखंड का भी यही हाल है। यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं अपनी गोद में बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगती है, लेकिन ये बच्चे उनके खुद के नहीं होते बल्कि किराए पर लिए हुए होते हैं और इन भिखारियों के खुद के बच्चे भी जब तक छोटे रहते हैं तब तक उन्हें गोद में लेकर और जब चलने लायक हो जाते हैं तब उन्हें खुद ही भीख मांगने की ट्रेनिंग देकर काम पर लगा दिया जाता है। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में इस समय 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा तो बच्चे हैं। इस पूरी गिनती में लगभग 21% भिखारी 12वीं पास हैं और कई भिखारी तो ऐसे हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री भी ले रखी है और वो फटाफट इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। आई एम बैगिंग, आई एम नॉट गोइंग स्कूल, बट आई बैगिंग, आई नो इंग्लिश लिटिल एंड आई नो ऑल इंग्लिश। व्हाई आर यू बैगिंग, यू शुड डू सम वर्क। देश के अब तक के ज्ञात सबसे अमीर भिखारियों में जो नाम सबसे पहले आता है वो है मुंबई के भरत जैन का, जिनके बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। इनकी हर महीने की कमाई लगभग 75,000 रुपए से भी ज्यादा है। अब वैसे तो ये 10,000 महीने के किराए के कमरे में रहते हैं, लेकिन इनके पास 2 फ्लैट्स और कई गाड़ियां भी हैं। अमीर भिखारियों की गिनती में दूसरे नंबर पर आती हैं कोलकाता की लक्ष्मी नाम की ये महिला। 1964 में जब ये लगभग 15-16 साल की थी तब से भीख मांग रही है और इस समय इनकी महीने की कमाई लगभग 45,000 रुपए से भी ज्यादा है। तभी तो आज के समय में इनका बैंक बैलेंस लगभग 1.5 करोड़ रुपए का है। तीसरे नंबर पर सबसे अमीर भिखारी है मुंबई में रहने वाली गीता। गीता हर दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर भीख मांगती है और 1500 रुपए से भी ज्यादा की कमाई करती है, यानी इस हिसाब से ये महीने का 45 से 50,000 रुपए कमा लेती है और मुंबई में इसने भी कई फ्लैट्स खरीद रखे हैं। चौथे नंबर पर सबसे अमीर भिखारी है पटना के निवासी पप्पू कुमार, जो हर दिन 2,000 रुपए तो कमा ही लेते हैं और पैसे जोड़ते जोड़ते आज इनका बैंक बैलेंस 2 करोड़ पार हो चुका है। पप्पू एक आलिशान मकान में रहता है और इनके बच्चे महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। हालांकि ये तो कुछ ही भिखारियों के बारे में खुलासा हो पाया है, लेकिन इनके जैसे इनसे भी कहीं ज्यादा अमीर पता नहीं कितने ही ऐसे भिखारी होंगे जिनके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने पहले कभी ये सोचा था कि भिखारी भी इतने ज्यादा अमीर हो सकते हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले आदमी भी नहीं होते हैं? तो क्या आप भी किसी ऐसे भिखारी को जानते हैं जो कई सालों से लगातार भीख मांग रहा है? तो जरा सोचिए अब तक उसने कितनी कमाई कर ली होगी, और ऐसे भिखारी के बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।